हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल टाइम्स। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है आपके प्रिंटर के जरिए अपने कंप्यूटर से अपने लैपटॉप से किस तरीके से स्कैन करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखिए, आपको बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगा अपने प्रिंटर से किस तरीके से डॉक्यूमेंट जो है स्कैन करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर जो अपने लैपटॉप के अंदर दोस्तों। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करना है उसे कुछ इस तरीके से रख देना है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर एरो मार्क दिखाया, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ये देखिए, ये एरो मार्क देख सकते हैं, इधर यहाँ पे आना है दोस्तों। इसका टॉप है सो ये ए साइड आना है दोस्तों। ये देखिए, मैंने आपके लिए बनाने के लिए डॉक्यूमेंट हाउ टू स्कैन ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम प्रिंटर टू योर कंप्यूटर आप ही के लिए बना के रखा है। इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख दीजिए। अगर आपका छोटा डॉक्यूमेंट है इस तरीके से रखिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी, यहाँ पर इस तरीके से रख दीजिए तो ये ऊपर बराबर बैठ जाएगा दोस्तों। इसके बाद में जो है इसे बंद कर लेना है दोस्तों। और आपका जो है आपका पावर सप्लाई, इसे कि यहाँ से मैंने पावर सप्लाई ऑन कर लिया, इसका पावर सप्लाई ऑन कर लीजिए। और इसकी जो डाटा केबल रहती है दोस्तों, ये डाटा केबल मैंने यहाँ पर डाल रखी है, यानी कि ये जो केबल प्रिंटर से जो इन्फॉर्मेशन ये प्रिंटर को चला जाएगा, कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन जो है प्रिंटर से आपके चला जाएगा दोस्तों। तो चलिए मैं दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे कि यहाँ पर आपका प्रिंटर का कौन सा मॉडल है देख लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं HP इंक टैंक 319। आपके अंदर जो है आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में इसका सॉफ्टवेयर रहना ज़रूरी है दोस्तों। जब आप नया इसे खरीदते हैं, एक सीढ़ी आती है, उसके ज़रिए आप जो है इसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर ले सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर रखा है दोस्तों। आप भी जो है उसे इंस्टॉल कर लीजिए, जो आपका प्रिंटर है वही आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। इसे ओपन कर लीजिए डबल क्लिक करके। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है, ये टाइम लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रिंट के ऑप्शन है, आपको मैं स्कैन का दिखाने वाला हूँ। स्कैन पर क्लिक कीजिए, स्कैन है डॉक्यूमेंट और फोटो। आपको यहाँ से आप जो है फोटो भी स्कैन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी स्कैन कर सकते हैं। मैं दिखाऊँगा, दोनों का दिखाऊँगा दोस्तों। आप इसी फोटो भी बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। डबल क्लिक कीजिए और वेट कीजिए। यहाँ पर ये देखिए HP स्कैन ये ओपन हो रहा है दोस्तों। ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, स्कैन एस PDF, स्कैन एस JPEG, स्कैन है ईमेल एस PDF, ईमेल एस JPEG। ईमेल तो नहीं आपको स्कैन का दिखा रहा हूँ, स्कैन एस PDF, स्कैन एस JPEG, स्कैन एस PDF फर्स्ट दिखाऊंगा, स्कैन एस PDF मार के यहाँ पर आप नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। एक कलर हाउ चाहिए तो कलर, ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट लेटर का साइज भी रख सकते हैं, कलर यहाँ पे PDF, लोकेशन और न्यू फोल्डर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। शो व्यूअर आफ्टर स्कैन व्यूअर, इसके बाद में स्कैन के बाद में आपको व्यू करके दिखाया, स्कैन पे क्लिक कर लेना है। स्कैन पे क्लिक करने के बाद ये स्कैनिंग स्टार्ट होगा दोस्तों। आपके प्रिंटर में से जो है आवाज़ आने लगेगी, यहाँ पे आप ये बंद चालू होगा, यानी ये स्कैन हो रहा है दोस्तों। आप पकड़ेंगे तो आपको फील होगा ये स्कैन हो रहा है बोल के, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्कैनिंग बोल के, वो आपका डॉक्यूमेंट अब स्कैन कर रहा है दोस्तों। आप JPEG फॉर्मेट में करते हैं तो वो जो है JPEG फॉर्मेट बन सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये स्कैन हो गया है दोस्तों। आपको चाहिए तो यहाँ पे रोटेट भी हो सकता है दोस्तों। ये देखिए, इस तरीके से रोटेट कर लीजिए, इसे छोटा बड़ा भी कर ले सकते हैं आप। ये देखिए, इस तरीके से इसको कितना साइज चाहिए उतना साइज भी रख ले सकते हैं आप, ऊपर से भी नीचे कर लीजिए। बाद में जो है आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मार देना है। आपको जहाँ सेव करना है यहाँ इसके अंदर, डेस्कटॉप में सेव करेंगे, लाइब्रेरी में, गेम्स, आपके कौन से भी लोकल डिस्क DE किधर चाहिए उधर सेव का बटन पे क्लिक करके सेव कर लीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ। बाद में आपको जो नाम देना है वो डॉक्यूमेंट का नाम दीजिए, सेव पे क्लिक कर लीजिए, आपका वो डॉक्यूमेंट जो है सेव हो जाएगा। मुझे सेव नहीं करना है, मैं कैंसिल मार देता हूँ। अगर आपको JPEG यानी कि फ़ोटो को स्कैन करना है तो यहाँ पे JPEG फॉर्मेट में स्कैन करना पड़ेगा। फोटो, जो फोटो होता है उसे JPEG में, जो जो फाइल जो यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसे जो है PDF फॉर्मेट में सेव करना है। जो फोटो की टोर होता है उसे JPEG पे सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर ही देखिए, कलर चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो बटो, यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम टाइप फोटो, ये लेटर होगा दोस्तों, मैंने स्कैन पर क्लिक कर लीजिए। ये आपका, ये देखिए अभी भी ये बंद चालू होने लगा, ये स्कैन कर रहा है। मैं आवाज़ महसूस कर सकता हूँ दोस्तों, आप भी आपका प्रिंटर का आवाज़ समझ सकते हैं। यहाँ पे स्कैनिंग दिखा रहा है। स्कैन हो जाने के बाद ये JPEG क्या है, थोड़ा क्लैरिटी अच्छे से स्कैन करता है दोस्तों। फोटो रहता है ना, उसे अच्छे से स्कैन करके दिखाता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कैन हो गया है दोस्तों। इसे यहाँ पर रोटेट कर लीजिए, ये देखिए रोटेट हो गया। आपको इससे जो है बड़ा छोटा जितना चाहिए उससे साइज जो है, आपके जितना आपका डॉक्यूमेंट होगा उस हिसाब से इतना होगा, तो इसे सब इतना गिड्डा स्मॉल कर लीजिए और बाद में जो है सेव पे क्लिक
कर लीजिए, आपको जो नाम देना है नाम दीजिए, जहाँ पे सेव करना है उसे सिलेक्ट कीजिए, नाम देना है दीजिए और सेव पे क्लिक कर लीजिए, आपका सेव हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बड़े आसानी के साथ इस तरीके से आप जो है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से डॉक्यूमेंट को जो है इस तरीके से स्कैन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इसके अलावा भी कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।